हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई एम तुहीना। सो आफ्टर द होम वार्मिंग सेरेमनी इट्स जस्ट टाइम टू सेट द रूम। सबका अपना अपना वर्क दिया गया था कि सबको जैसे चाहिए जैसे डेकोर करना है अपने रूम को सेट कर सकते हो। तो मैंने पहले स्टार्ट किया मेरे पसंदीदा चीज़ जो है गिटार, उसको पहले साफ करना स्टार्ट किया। कब से ही पड़ा हुआ था ऐसे ही। आफ्टर दैट एक पेंटिंग और एक फोटो लगाया। एंड कब से मैंने प्लान करके रखा था कि मुझे एक फैमिली गैलरी चाहिए, फैमिली फ़ोटो गैलरी चाहिए। सो या मैंने उसका प्लानिंग कब से कर रखा था। तो यहाँ पे क्रोनोलॉजिकली आप देख सकते हो, ये हमारा क्यूट सी फैमिली फ़ोटो गैलरी। उसके बाद मैंने अपना कबोर्ड सेट करने का स्टार्ट किया। पहले तो सारे कपड़े निकाल कर रखे, उसके बाद एक के बाद एक रेडी किया। और उससे पहले चौक से लाइन ड्रॉ किया ताकि कॉकरोच और चीटियों से कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। एंड उसके बाद मैंने कबोर्ड सेट करना स्टार्ट कर दिया। एंड आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे मैंने अपने फाइल्स वगैरह सब अलग से करके रखे हैं। आफ्टर दैट मैंने कपड़े एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरीज भी यहाँ पे कुछ कुछ कार्ड्स वगैरह जो मिले हैं मुझे बर्थडेज पे या फिर कोई इवेंट्स पे, वो सब मैंने बहुत ज़्यादा संभाल के रखा है। मुझे क्या मिला? मम्मी पापा का शादी का कार्ड। मेमोरीज यहाँ पे जुड़े हुए हैं गाइस मेरे। और इसके साथ साथ मेरे शादी का कार्ड भी मिला। पहला कबोर्ड तो हो गया, अब चलिए स्टार्ट करते हैं सेटअप ऑफ द नेक्स्ट कबोर्ड। सबसे पहले तो इसको मैंने साफ कर दिया अच्छे से। आफ्टर दैट मैंने पेपर वहाँ पे डाल दिया ताकि क्रोनोलॉजिकली अच्छे से जैसे मैं रखना चाहूँ वैसा रख सकूँ। मैंने कुछ कार्टून्स लिए हैं और उसको रैप किया है ताकि उसमें कुछ ज़रूरत की चीज़ें रख सकूँ। मेरा दूसरा कवर भी एकदम रेडी है। एंड नाउ इट्स जस्ट टाइम फॉर सम ट्वाइलाइट शाइन। मैंने डेकोरेशंस के लिए एलईडी लाइट यूज़ किया है एंड छोटे छोटे कोटेशंस भी लगाया है सो दैट कि मैं थोड़ा रूम को रेट्रो लुक दे सकूं। एंड कंप्लीट हो गया हम लोग का रूम डेकोरेशन। एंड हियर्स द सीन एक्चुअली। होप करती हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन टाटा।